अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सब हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज हम आप लोगों के सामने ईद की जो सी खास रेसिपी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो सी थी कलेजी। जी बिल्कुल, जो कि सुन्नत भी है, उसको खाना बनाना सुन्नत है। तो हम लोग आप लोगों को वो सिखा रहे हैं, और हम लोगों को मतलब रिक्वेस्ट भी की गई थी कि हमें बनाना सिखा दो। वैसे भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये जो मेन रेसिपी है ईद के हर से शेयर तो करना ही था, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को वही रेसिपी सिखा रहे हैं जिन लोगों को कलेजी बनाना नहीं आती। काफ़ी लोग कहते हैं हार्ड हो जाती है, सही नहीं बनती, काफ़ी मुझे स्मेल ख़त्म नहीं होती, इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं। तो ये कैसे बने? प्याज, तो प्याज मम्मा मैंने दो डाले हैं, ठीक हो गया, बाकी अपनी मर्जी से काम ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग जो से ईद स्पेशल रेसिपी कलेजी के हवाले से, क्योंकि कलेजी हर घर में बनती है, कुछ लोग इसको नाश्ते के टाइम बनाते हैं, तो मतलब जिस दिन कुर्बानी हो उस दिन लाजमी इसको बनाया जाता है। तो हम लोगों ने आप लोगों को सिखानी थी, तो हम आप लोगों को सिखा दें। तो आप लोग इसको देख लें, बहुत ही आसान थे कि ना ही स्मेल। आप अपना काम करें, आप डालें। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने ना कलेजी धो के रख दी है, दो प्याज डाल दी है इसमें, एक टमाटर। ये देखें आपको, ये मैं मसाले वाली कलेजी दिखा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल सूखी कलेजी फिर मैं पका के दिखाऊंगी। मतलब तवा कलेजी? तवा कलेजी जो बिल्कुल सूखी होती है, जो कांटे के साथ इंसान खा सकता है वो, ठीक है। तो वो भी सिखा देंगे हम आपको। ये मैंने वो डाल दिया ना, मैं डाल के फिर आप बात कर लेना। तो ये मैंने गर्म अदरक लहसुन, अदरक लहसुन कूटा हुआ, ये लाजमी डालना है क्योंकि इसमें स्मेल होती है ना। चलिए आप बोले फिर मैं मसाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं आप लोगों को कलेजी जिस तरह हम लोगों ने आपको सिखाई, इसी तरह अगर आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेगी, कोई मसला नहीं आएगा। आप लोग मतलब इसको प्रेशर कुकर में ना बनाएं, इसको आप देशकी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर बना लें इसको, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो मामा आप हम लोग मतलब क्या इसको एक उबाला दिलाएंगे क्या? मतलब उबाला दिला के ना फिर हल्की आंच कर देंगे इसमें, तो मैं ना नमक मिर्ची डालती हूँ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने एक साथ ही इसकी सब चीज़ें जो लवाजमा इसके अंदर डाल देनी है, और फिर इनको रख देना पकने के लिए। फिर अच्छी तरह भूनने से जब गल जाएगी, जब गल जाएगी तो गलने का वेट करना है। वो मसाले अपनी मर्जी से, पौना चम्मच नमक का, तो मिर्च, बहुत एहतियात से आप लोग सुन लेंगे स्पाइसेस कौन कौन से डालने हैं, क्योंकि कलेजी सबकी पसंद है और हर कोई हर किसी घर में बनती है। तो आप लोग देख लें कि क्या डलेगा, कितना डलेगा। ये एक चम्मच मिर्च का, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मैं पका के मसाले वाली देखती हूँ ना, तो वो बहुत पसंद करती हैं। आधा चम्मच हल्दी का, ठीक है। अच्छा अभी इसमें दही भी डलेगी वो बाद में, तो सूखा धनिया डाला है इसमें, आधा चम्मच सूखा धनिया का बस। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, ये ना उबाला चढ़ देने इसे, ये मैंने हिला दी ना, ये बस इसमें पानी भी है, टमाटर भी डाल दिया, फिर दही भी डालनी है। अब ये ना पकने लग जाएगी, तो गल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको उबाला दिला लेते हैं और रखते हैं इसको पकने के लिए। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है और इन्जॉय करना है और सीखना है कि जो मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था कि मतलब क्या सूरत है, हालांकि कितनी कलेजी बन चुकी है, कैसी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर पानी अभी काफ़ी सारा है, तो पानी के खुश्क होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। पानी खुश्क होता है फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग इसकी भुनाई कैसे करेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये खाने में बदबूदार मतलब महसूस ना हो। तो पानी खुश्क होता है और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो अब ये पानी खुश्क हो गया है। हाँ जी, ये दही डालनी है, दो और तीन चार पाँच, ठीक हो गया। तो पांच बड़े चम्मच हम लोगों ने, हाँ जी, अब इसका ना पानी सुखाना है दही का, तो फिर उसके बाद फिर खाते हैं, ये सूख जाए ना फिर घी डाल के भूनते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो सी आज की हमारी ये कलेजी की रेसिपी है तैयार हो रही है। आप लोगों को पसंद आएगी, आप उसको ट्राई करें और हमें बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी है और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा बनाने का। तो अब हम आपको 5 मिनट के बाद दोबारा दिखाते हैं। ये मैंने ना ज़ीरा डाल दिया इसमें, ठीक है। अब ना दही डाल के भूनना है ना अच्छी तरह इसे, ये मैं भूनती हूँ और इसे और मैं घी डालती हूँ, ठीक है। ये देखें हम लोग इसके अंदर ऑयल यूज़ करें, लेकिन आप लोग चाहें आप तो जिसमें हाँ, मर्जी, जिसमें मर्जी बना। दो मैंने डाल दी है, दो, ठीक है। दो बड़े चम्मच हम लोगों ने घी के डाल दी है और मतलब ऑयल के डाल दी क्योंकि ऑयल के। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, इसमें स्मेल होती है ना,
यही तो मसला होता है, मतलब कुछ लोगों को मतलब बनानी नहीं आती, हार्ड हो जाती है या मतलब इसकी स्मेल का इशू आता है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको स्मेल आएगी। तो इसका मेन जो सा है मकसद बनाने का ये कि स्मेल भी ना आए और बहुत मज़ेदार सी, हमारी तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है कलेजी, हमें तो बहुत पसंद है जो मम्मा बनाते हैं। ये देखिए मैं भून रही हूँ, इसे 5-10 मिनट भूनना है बस, मुसलसल आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, जो तो इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, तो ये देख रहे बबल्स भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो हम लोग इसकी बुनाई करते हैं, हाँ जी, और अपने व्यूवर्स को दोबारा दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी आज की ईद स्पेशल रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो व्यूवर्स अगर अभी तक आप लोगों ने उसने हमारे देखने वाले जो फर्स्ट हमारे चैनल पर आए हैं उन्होंने विज़िट किया है तो आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ईद की जो उनसे हवाले से हम आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो कढ़ाई है निहारी है या पाए जो और भी मतलब होती हैं सब रेसिपीज़ वो इंशाल्लाह हम आप लोगों को वन बाय वन सिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब ईद के दिनों में तो होता ही खाने पीने का है कि हम लोग कुछ लोगों को नहीं बनाना आता, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा कि अगर वो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखें। वो मसाले वाले भी दबा देंगे आपको बनाकर, तो हम लोग नितनी, लेकिन अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है कोई फरमाइश है कुछ आप लोग सीखना चाहते हैं अपने मतलब वो भी आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे सिखा देंगे। तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह को हमारी जो सी रेसिपीज है वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो हम इसको भूनते और वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। धनिया तो बिल्कुल जो सी हमारी कलेजी है वो माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो इसकी खुशबू आ रही है वो हमारे पूरे किचन में बहुत माशाल्लाह अच्छी बन गई है और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, ये आप देख सकते हैं। और बबल्स के अंदर बन रहे हैं, घी आ चुका है इसके ऊपर, तो हम इसको डिश आउट कर लें। हाँ जी जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर रहे हैं जो हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो गई है, तो मम्मा इसको डिश आउट करें। देखिए माशाल्लाह, एक मिनट यहाँ पे देख ले माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मम्मा ने जब इसको खोला है तो ये हम निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है और देख ले माशाल्लाह लगी नहीं है और गल भी गई है। ठीक है, तो मतलब आप इसको अब आसानी इसको किसी भी देश की या हंडिया में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये वैसे भी मतलब सुनने तक और सब लोग बनाते हैं, ईद का दिन है तो आप लोग इसको बनाएं, बहुत इजी है, जल्दी बन जाती है, कितना टाइम नहीं इसको लगता। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह हम आपको ईद के हवाले से नई रेसिपी सिखाते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमें दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन सबको ईद मुबारक। अब हम आप लोगों से जा चाहते हैं, इंशाल्लाह नई रेसिपी में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।